नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के वायरल वीडियो पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने पलटवार किया है। उन्होंने मसूद पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हर हमेशा शहर की फिजा को बिगाड़ने का काम किया है। उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है। शमशुल हसन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आरिफ मसूद द्वारा जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें देश की आज़ादी में शहीद होने वाले मुस्लिम क्रांतिकारियों को ही आज़ादी का नायक बताया जा रहा है, जबकि इस देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। ये बच्चे तो उन पर भी शर्मा चाहे जो लोग मेरे ऊपर तंकीद करते हैं कि आरिफ मसूद साहब भोले बाबा के नाम पर नेतागिरी करते हैं। अरे शर्म करो, तुम एक नाम किसी को याद नहीं करा पाओगे। अल्लाह ने हमारी टीम के जरिए आज 100-150 नाम याद करा दिए। मीर जाफरो शर्म करो अपने आप पे। बीजेपी का बीच टीम बनना अच्छा है, लेकिन ऐसा मत करो कि अपने आप को शर्मिंदगी हो। जब रात में सो तो घर में बच्चा भी कहे कि हमारे घर वाले कितना झूठ बोलते हैं, एक शख्स क्या काम कर रहा है और हमारे अम्मा अप्पा क्या कर रहे हैं। तो बेटा शर्मिंदगी से बचो, कल तुम्हारा बच्चा भी तुमसे जब कहेगा कि आरिफ मसूद ने तो वो काम कर दिया जो तुम लोग नहीं करा सके। हक तो तुम्हारा था हमें पढ़ाना, लेकिन आरिफ मसूद ने शहर में पढ़ा डाला। क्यों चिढ़ते हो हमारे पढ़ाने से? क्यों चिढ़ते हो उलेमाओं के नाम से? क्यों घबराते हो उलेमा के नाम के प्रोग्राम में? कल भी करा था और नफरत के सामने हमेशा करते रहेंगे, और आज भी कह रहा हूं और हमेशा कहता रहा हूं कि इन उलेमा की कुर्बानी के बिना ये मुल्क आजाद। सर, कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, भरे मंच से कह रहा है कि कुछ लोग जो हैं उलेमा और जो इकराम होते हैं उन लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय विधायक महोदय विरोध को देखकर घबराए हुए हैं। जो सार्वजनिक मंचों से जो उलमाओं की बात कर रहे हैं, उलमा इकरामों की बात कर रहे हैं, तो भोपाल के किसी भी मंच पे कोई उलमा इकराम उनके कुछ दिखा नहीं, ना शहर काजी मुफ्ती या किसी तरह के उलमा इकराम, कोई बुज़ुर्ग ऐसी शख्सियत नहीं दिखी जिससे हम ये कह सकें कि दीन के की दाई इस मंच पे बैठी है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो एक विधायक को शोभा नहीं देता, और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन सी है। कौन है बी टीम? क्या मैं याद दिलाऊं? शुरू से ध्रुव नारायण सिंह जी के की बी टीम थे आप, या पूर्व संगठन मंत्री माखन सिंह राजपूत जी की बी टीम थे आप? क्या आप शिवराज जी की बी टीम नहीं थे? क्या आलोक शर्मा की बी टीम नहीं थे आप? आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कि विश्वास सारंग जी के यहाँ कद्दावर मंत्री के यहाँ 1.5 घंटे मिलने के लिए बाहर खड़े हुए, गाड़ी में बैठे हुए, वहाँ हम लोग नहीं थे। तो मीर कासिम और मीर जाफर की जो परिधि और उपाधि दी जाना चाहिए वो आपको दी जाना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही आप एक डरपोक और एक बुजदिल टाइप के व्यक्ति हैं। आप राजनीति कम, और मैं भोपाल के इतिहास की बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भोपाल का ये पहला व्यक्ति है जो कांग्रेस का विधायक होने के बाद पुलिस का मुखबिर भी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुखबिर है, कांग्रेस की मुखबिरी करता है। मैं कांग्रेस के नेताओं से, जीतू पटवारी से ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस कमेटी से ये आपका की मुखबिरी करता है, ऐसे व्यक्ति से होशियार है, विधायक ज़रूर हो गया है लेकिन इसकी पुरानी आदत है वो पार्टी में रहकर इधर की उधर करना, मुखबिरी करना, वो आदत इसकी नहीं गई है। ये उलमा इकराम के नाम पर जिस तरह की मंच लगाकर बच्चों को आगे बिठा के ये बात कर रहा है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात कर रहा है, विकास की बात नहीं कर रहा। और उलमा इकराम ने यकीनन कुर्बानी दिए इस देश को, मुल्क को आज़ाद कराने में, लेकिन खाली उलमा इकराम नहीं दे, सातों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने कुर्बानी दी है। इस मिट्टी में सभी का खून मिला है, जब जाके हमें शहादत हुई है तो ये कुर्बानी हासिल हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गिरबान में जाके उलमा इकराम की बात करता है। यही मरहूम शेर काजी अली साहब थे जिनका ये गिरबान पकड़ा हुआ था, यही वो पाखंडी है जो उलमा इकराम को डरा कर काम लेता था। आज अगर हम लोगों ने उलमा इकराम को सही रास्ते पे चलने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं कि आपको सियासत से, आपको मंच पे बिठाकर
अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों से आप होशियार रहें। हमारी उलमा कराम से हमेशा से हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश रही है, मंचों की शोभा ना बढ़ाएं, आपको शोपीस की तरह मंच पे बैठाकर जिस तरह उलमा कराम का इस्तेमाल करता था, आज वो उलमा कराम इसकी साजिश से वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे इसके मंचों से गायब हो गए। ये बच्चों को, नौजवानों को बरगला कर किसी को पुलिस से बंद कराता है, किसी को कहीं उलझा देता है, आपस में लड़वा देता है। मैं तमाम शहर के तमाम नौजवानों से, तमाम उलमा कराम से, आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे पाखंडी से, ऐसे मीर कासिम से, मीर जाफर से आप लोग हाथ जोड़कर गुजारिश है, होशियार रहे। असल गुनाहगार भोपाल के नौजवानों का और हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी जो तहजीब खंडित किए उसका ओरिजिनल गुनाहगार ये है, ना कि आरिफ अकील। आरिफ अकील नहीं है गुनाहगार, रसूल अहमद नहीं थे, हसनत सिद्दीकी नहीं थे, गुफरान आजम नहीं थे, नासिर इस्लाम नहीं थे। असल गुनाहगार अगर मुसलमानों को बांटने का काम पैसे लेकर करवाता था वो गदर कान गवाह है, यही वो आरोपी है। इससे होशियार हो, ये अपने गिरबान में झाँक के देखे, वो घर में जाके कुरान हाथ में लेके मंथन करे कि मुसलमानों के लाशों पर, कद्दों पर सियासत करने वाला आज कहाँ विधायक बना बैठा है और मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहा है, हिंदू और मुस्लिम के सिवा इसलिए कभी कोई बात नहीं करिए। ये मध्य प्रदेश के अपराध का रिकॉर्ड बोलता है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।